जैसे मसीह ने आपको बताया है कि बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, आप अपना सारा पेपर वर्क स्ट्रांग रखिए, आप पूरा जो गवर्नमेंट के डेट्स है वो डेट्स के अंदर सारा का सारा कंप्लाइंस कीजिए। उसकी वजह ये है कि जो अपडेट नहीं रखता है अपने आप को, वो जो है दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। तो आप हर पेपर वर्क क्लीन रखिए, दिल से काम कीजिए, और आपका जो जज्बा है वो जज्बे को भी लोगों के दिलों में पहुंचाइए। जो जनरेशन नेक्स्ट है उनमें भी कुछ नौजवान बच्चे आप हमेशा जोड़ते रहना, ताकि ये जो कारवां है, ये जो सिलसिला है, ये जो सफ़र है, वो हमेशा नौजवान कंधों पर ट्रांसफ़र होते जाना चाहिए ये जिम्मेदारी। तो ये भी एक रखिए कि आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन आपको तैयार करते रहना चाहिए। और ये एक ज़रूर कीजिए, जैसा मसीह साहब ने जो बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये वीकली मीटिंग्स और मंथली मीटिंग्स रख रहे हैं, तो ज़रूर रखिए। उसमें अच्छे लोगों को बुलाइए, आप चैरिटी कमिश्नर को बुलाइए, उसमें वो आपको और गाइड करेंगे, आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बुलाइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाइए, जो आपको सारा। और दूसरी और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब जो CSR फंड है, तो गवर्नमेंट ने अगर CSR फंड कोई कंपनी खर्च नहीं करती तो उसको जो है तो सजा है 3 साल की। Am I right? बोले सर, अभी जो है तो नया जो कानून पास हुआ है, तो अब जो है तो सजा होगी उसको। तो हर कंपनी जो है उनका एक हिस्सा CSR फंड में निकालना जरूरी है। तो आप ऐसी भी एक टीम बनाइए जो कंपनी से ताल्लुकात जोड़े, और उनको अपना काम जाकर बताइए, समझाइए कि हम एक NGO है, ये हमारा जो ये प्रोफाइल है, और हम आपकी कंपनी में CSR फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अप्लाई कर दीजिए, 1000 जगह अप्लाई कर दीजिए, आपको कम से कम 10 जगह से कॉल आएगा। अभी CSR इतना फंड जमा है कि कंपनी इसको समझ नहीं रहा है कि हम ये कहाँ, और उनको कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी पे है कि वो चाहे निकाले चाहे ना निकाले, उनके लिए कंपल्सरी है, और ना निकाले तो अभी सजा हो गई है, सजा 3 साल की जो है जेल रहेगी उस कंपनी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, अगर वो आपको जो है तो CSR फंड नहीं देते। तो आप 80G और 12A ये दो सर्टिफिकेट्स तो कंपल्सरी भी बना लीजिए। FCR तो ठीक है, वो अगर बाहर से फंड्स आते हैं तो आप फिर वो तो आगे की बात है, लेकिन ये दो चीज़ें तो आप पक्का कर लीजिए, और इंशाल्लाह हमारी जहाँ पे उनकी ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मदद कर सके। हमारे जो असर रसूख है अल्लाह ने जो हमें अता किया है, तो उससे अगर मैं समझता हूँ कि किसी के भी काम आए तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। मैं आखिर में आप सबका ममनून और मशकूर हूँ। जैसे सोहेल साहब ने हुक्म दिया है कि आपको थैंक्स भी इसमें जोड़ना पड़ेगा वक्त की कमी की वजह से, तो मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। और आप ये देखिए, ये तो छोटे छोटे अवार्ड्स हैं, असल अवार्ड तो आपको आखिरत के दिन मिलेगा इंशाल्लाह। और ये अवार्ड तो चंद लोगों के सामने मिलता है, लेकिन वो पूरी कायनात के सामने अल्लाह ताला आपको देगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब सारी जो है तो नेकियां कम पड़ेगी, और आपके पर्दा एकदम नीचे झुक जाएगा कि आपने किसी को ब्लड दिया है, किसी लाश को जो है उसका अंतिम संस्कार के लिए मदद किया है, या किसी लंगड़े लूले मजबूर बूढ़े दवा डॉक्टर ब्लड, या बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस, कोई भी छोटा सा काम जो अल्लाह कबूल करेगा उसके बदले में तो पर्दा बहुत भारी हो जाएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता करे, और हमारी जो भी खिदमत हो रही है अल्लाह ताला तू अपने फजल व करम से उसको कबूल फरमा, और दुनिया और आखिरत में हमारे दर्जा बुलंद फरमा। बहुत बहुत